दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी जो पहली अपडेट की और अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है इसमें जो कि 10 लाख को टैबलेट और 25 लाख को दिया जाएगा फ़ोन। तो कुल मिला के 10 और 25 35 लाख लोगों को जो है ये चीज़ दी जाएगी, ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट जी ने जो है बैठक में प्रस्ताव कर दिया है ना, मतलब कि प्रस्ताव पर जो मंजूरी दे दी गई है, अब जो है बहुत जल्द जो है भुगतान होने वाला है। इसके बाद तुरंत जो है इन लोगों को जो है 10 लाख लोगों को जो है टैबलेट और 25 लाख को फ़ोन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जो है समीक्षा मीटिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन और टैबलेट जो किस किस को भी मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 लाख का रजिस्ट्रेशन अब तक जो 16 लाख वितरित किए जा चुके हैं टैबलेट और स्मार्टफोन। और किस किस को मिलेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो सभी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए और विद्यार्थी को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके बाद स्नातक है, इसका वो स्नातकोत्तर है, डिप्लोमा है, कला कौशल है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, सहित सभी जो है प्रशिक्षण इसमें जो संस्थानों जो कार्यरत जो है और अध्ययन कर रहे हैं छात्रों के लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया सेवा मित्र के पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 माह में सभी पात्रों को लाभ मिलेगा। अपनी जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो सरकारी विभागों में 9.89 लाख का जो है पद खाली है, कहने मतलब कि तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 79 लाख पद खाली है, कहने मतलब क्या है कि 9,79,000 जो है पद खाली है। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र सरकार के जो है केंद्र के अंतर्गत जो है 1 मार्च 2021 तक जो है 9.79 लाख जो पद खाली है। केंद्रीय कार्मिक जो है राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि बुधवार को जो है लोकसभा को बताएंगे सबसे ज़्यादा जो है 2.93 लाख नियुक्तियाँ केवल रेलवे में, कहने मतलब क्या है रेलवे के अंतर्गत ग्रुप सी ग्रुप डी की जो है कम से कम जो है 2,93,000 केवल जो है रेलवे में, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 2.64 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख जो पद खाली है। डाक और तार के अंतर्गत 90,000 पद खाली है और राजस्व विभाग में जो है 80,243 पद खाली हैं। अकाउंट विभाग में जो 25,000 जो है 934 पद खाली हैं, कहने मतलब क्या है इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हैं और भर्तियां बहुत जल्द आएंगी। 9,460 पद खाली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटायरमेंट होते रहते हैं और भर्तियां नहीं होती हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद जो है रेलवे में 2,93,000 पद जो सबसे ज़्यादा जो रेलवे में पद खाली हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के सबसे ज़्यादा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताया गया है। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मुकदमों का अंबर जो है परेशानी। मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था 12 तारीख डेट लगी हुई है इसकी, एक बार और दिखाता हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कल 29 तारीख थी, कल इसकी सुनवाई थी पर इसमें इसकी सुनवाई नहीं हो सकी, तो यहाँ पे डेट लगा दी गई है 12 अप्रैल 2023 की, ये इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद कोई डेट नहीं लगेगी, इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया प्रदेश में पहली बार एडेड जूनियर विद्यालयों में की भर्ती मुकदमे के जाल में उलझ चुकी है। ऐसे में जो भर्ती प्रक्रिया जो न्यायालय में रोक दी गई है, अब तक जो है आपने देखा हो जब तक मामला न्यायालय में निर्धारित नहीं होगा भर्ती प्रक्रिया अदर में लटकी रहेगी, कहने मतलब क्या है 50% को लेकर हंगामा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि 50% ग्रेजुएशन में नहीं है इसलिए उनको लेकर जो है लड़के कोर्ट चले गए, हमारे तो नहीं है पर वो जो है पास हो चुके थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो भर्ती आई थी वो 1894 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, यहाँ पे लिखा स्नातक में जो 50% अंक से कम वाले जो हैं लड़के कोर्ट गए, इनको परीक्षा में बैठने का मौका दे दिया गया, पर जब वो रिजल्ट पास हो गए तो इनको जो नौकरी नहीं मिल रही है, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा गया 50% से कम वालों को नौकरी नहीं है, वही केस चल रहा था इसमें, अब जो है 12 तारीख को फाइनल केस हो जाएगा। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश इसको कैबिनेट और राज्य इसमें राज्यपाल जी मंजूरी मिल चुकी है, मतलब क्या निकाय चुनाव जो आरक्षण की जो है अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 9 मार्च को ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है आयोग की इसमें जो सौंपी दी रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें जो है कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी सूची यहाँ पे जारी कर दी गई है। लोगों को एक तरफ नौकरियाँ नहीं मिल रही, लोगों और बहुत परेशान, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है 26 साल के युवक ने जो है एकदम सुसाइड किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की और अपनी आगे बढ़ते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 विद्यार्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया, ज्वाइन न करने पर जो है निदेशालय के प्रस्ताव पर जो शासन ने कार्रवाई, कहने मतलब कि 24 इसमें जो ऐसे अभ्यर्थी 31 है जिन्होंने ज्वाइन किया ही नहीं है, राजकीय के अंतर्गत महाविद्यालय में प्रोफेसर भर्ती इन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है।
तो इनका जो है चयन को वो है वो सरकार ने निरस्त कर दिया गया, पूरी तरीके से इनको हटा दिया गया है। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, यहाँ पर बताया गया सहायक निदेशक मुद्रण के 5 पदों पर जो चयन कर लिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग की एक खबर और यहाँ पर देख सकते हैं, 9 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू अप्रैल के मध्य तक होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कैंप ऑफिस खोलने के प्रस्ताव पर काम शुरू, यहाँ पे बात हो रहा है। इसमें जो उच्च शिक्षा निदेशालय को जो है लखनऊ में स्थापित करने का विरोध जारी कर दिया गया है, कहना मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो नया आयोग बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, निदेशालय जो लखनऊ में होना चाहिए वो कह रहे इलाहाबाद में होना चाहिए, बस उसी का जो काम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो है वक्त लगेगा। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपनी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में क्या है कि हाईकोर्ट ने जो है एक अंक देने के मामले में जो है PNP से जो है 10 दिन में मांगा जवाब, कहना मतलब क्या है इसमें जो 10 दिन में जवाब मांगा गया है कि इसमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में नियुक्ति की मांग से जुड़ी अवान्य याचिका पर जो है सचिव ने और PNP से 10 दिन में जवाब मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। अपने जो है नेक्स्ट अपडेट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं, MTS 2022 की जो परीक्षा 2 मई से, कर्मचारी चयन आयोग जो है SSC ने जो है मई जून जुलाई में होने वाली भर्ती के लिए जो है परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इन तीनों परीक्षाओं में 5 भर्तियों में कराई जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 27 जुलाई तक चलेंगी, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए नॉन टेक्निकल की परीक्षाएं जो हैं 18 जनवरी 17 जनवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट अपडेट की ओर यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को जो विश्व भारती सम्मान से नवाजा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश संस्कृत स्नातक के बुधवार को जो है संस्कृत लोगों को जो है मिला गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो है संपूर्ण आनंद का नाम आपने सुना हुआ विश्वविद्यालय वहाँ पर ही प्रोफेसर रहे हैं यहाँ पे ये। अब जो है UPI भुगतान पर नहीं लगेगा शुल्क बिल्कुल भी, जितने भी ऐप चल रहे हैं PayTM गूगल पे फ़ोनपे, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि पहले हम रुपया 2 रुपये काटते थे, अब यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लगे, यहाँ पे इन्होंने जो है आदेश कर दिए गए हैं शुल्क नहीं वसूला जाएगा, यहाँ पर आप उन्होंने बता दिया गया है स्पष्ट रूप से, यहाँ पर भी जो है इन्होंने कह दिया गया कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रसिद्धीय स्कूलों के अंतर्गत सारे बच्चों को ऐसे भी प्रमोट कर दिया गया है, लिखा कक्षा 1 से 8 तक के किसी बच्चों को फेल ना किया जाए, यहाँ पर आदेश कर दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है, और इनको जो विद्यार्थियों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को प्रमोशन से ना रोका जाए, तुरंत अगली क्लास में इनको भेज दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे UP बोर्ड के कई राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, शिक्षकों का समायोजन आदेश कर भूल गए अफसर, राजकीय विद्यालय के अंतर्गत जो हैं 10,322 पद खाली हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ 1.96 अरब से संवरेंगे 450 राजकीय विद्यालय, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज में जो है कई सारे पद खाली हैं और कई सारे जो है नियुक्तियाँ होंगी वो सब जो हैं पहली बार इतने रुपए से संवरी जाएंगी, 98 करोड़ की जो पहली किस्त जारी कर दी गई 98 करोड़ की। और राजकीय इंटर कॉलेज में जुगाड़ से, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुगाड़ से तैनाती जो है वो चल रही ग्रामीण क्षेत्रों में, राजकीय इंटर कॉलेज में जब सारे पद भर लिए जाएंगे इसके बाद जो खाली रहेंगे उसके बाद विज्ञापन निकाला जाएगा 10,322 पदों पर, तो ये सब जो है जुगाड़ से चल रहा आजकल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल करिए प्लस, थैंक यू वेरी मच।